नगर परिषद डभौरा में पूर्व सीएमओ के साथ मिलकर ग्राम पंचायतों से फर्जी प्रस्ताव कराकर अपने सगे संबंधियों की नियुक्ति संविलियन के नाम पर नगर परिषद में कराई गई है एवं शासन की राशि वेतन के नाम पर अपने सगे संबंधियों के खाते में प्राप्त की गई। वार्ड क्रमांक 12 माया सिंह द्वारा अपने सगे भांजों को एवं अपने घर में कार्य करने वाले श्रमिकों का भी संविलियन कराया गया है। साथ ही तत्कालीन सीएमओ के पुत्र का भी संविलियन अपने सरपंच कार्यकाल के दौरान गेदुराहा ग्राम पंचायत प्रस्ताव देकर कराया गया एवं नगर परिषद में हुए फर्जी संविलियन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। अध्यक्ष ने कहा, मेरे पद में बनने के बाद से अवैधानिक संविलियन के विरुद्ध उनके द्वारा आवाज उठाई गई एवं वरिष्ठ अधिकारियों की संज्ञान में सारा मामला लाया गया जिसे शासन द्वारा गलत पाया गया एवं फर्जी वेतन भुगतान बंद कर दिया गया। यह बात वार्ड 12 के पार्षद पति को इतनी नागवारा गुजरी कि मेरे अध्यक्ष बनने के बाद से लगातार मेरे विरुद्ध आधार विहीन शिकायतें की जा रही हैं एवं अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा। वही विधायक प्रतिनिधि ने बताया कि वार्ड 7 के पार्षद प्रतिनिधि राम नरेश यादव के द्वारा कई एकड़ सरकारी जमीन में कब्जा किया गया है जिसके कारण नगर परिषद का विकास भी रुका हुआ है। नगर परिषद अध्यक्ष एवं सीएमओ को आप अपशब्द का प्रयोग किया जा रहा है। वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद पति विश्वनाथ सिंह एवं वार्ड क्रमांक 7 के पार्षद प्रतिनिधि राम नरेश यादव द्वारा लगातार वार्ड पार्षदों के बीच पक्ष विपक्ष का प्रचार किया जा रहा है। सबकी मेरे द्वारा पक्ष विपक्ष कोई भी महत्व नहीं है। नगर परिषद के सभी वार्ड एक समान है जिसका विकास निकाय की जिम्मेदारी है। फंक्शन बैठा गया है उस पर आप क्या कहेंगे? राम नरेश यादव एवं विश्वनाथ सिंह के द्वारा अनशन प्रदर्शन में महिला अध्यक्ष होने के नाते मेरे प्रति गलत शब्द का प्रयोग किया गया जो कि मेरे अनशन के ठोस पहुँचाए गई है। इस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे या क्या कहेंगे? प्रसन्नता से मैं मांग करती हूँ कि कड़ी कार्रवाई की जाए एवं साफ FIR की जाए। आज डभौरा नगर परिषद में क्रमिक अनशन बैठा गया है, उसमें बोला जा रहा है कि जो वार्डों में है जो काम हो रहे हो भेदभाव हो रहा है उसमें, इस पर आप क्या कहेंगे? आप पार्षद हैं। 1 से 15 तक वार्ड में पूरे क्रम से काम हो रहा है, कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। भेदभाव नहीं हो रहा। जो अनशन बैठे हैं उस पर क्या बोलेंगे आप? उनकी कार्रवाई की जाए। मैं संजय गुप्ता, विधायक प्रतिनिधि नगर परिषद डभौरा। जो क्रमिक अनशन ये लोग बैठे हैं राम नरेश यादव और विश्वनाथ सिंह के नेतृत्व में, वो अनैतिक रूप से वो उनका काम है क्या कर रहे हैं, लेकिन जो अध्यक्ष महोदय को गलत शब्द बोला गया है वो बहुत ही गलत है और इन लोगों के ऊपर FIR होना चाहिए। और महिला अध्यक्ष होने के नाते ये लोग दबाव बनाते हैं कि गलत काम करिए, और इनके द्वारा KN सिंह पूर्व जो सीमो थे उस फर्जी तरीके से संविलियन का प्रस्ताव माया सिंह सरपंच थी वो अपने हस्ताक्षर से दिए हैं प्रस्ताव बना के, और उसी को सब ये सही करने के लिए दबाव बना रहे हैं। लेकिन जब से अध्यक्ष माया देवी गुप्ता बनी है तो निरंतर शासन से ये आग्रह कर रहे थे कि ये गलत है और उसकी शासन स्तर पे जांच हो रही है, और जो कि जांच अभी हाल में हुई है इन लोग को दोषी पाया गया है, इसीलिए ये बौखलाए हैं। और अध्यक्ष द्वारा किसी भी वार्ड में भेदभाव नहीं किया जा रहा है, 1 से 15 तक समस्त वार्डों में काम निरंतर चालू है, हो रहे हैं, और नल जल की व्यवस्था भी अच्छी हो रही है, और अभी हैंडपम्प खनन सभी वार्डों में हुआ है और लगभग 45 से 50 मोटर पंप डाले गए हैं सभी वार्डों में डाले गए, जिससे पानी का सुचारू रूप से सबको मिल सके। जो ये लोग कह रहे हैं बोल रहे हैं सब गलत है, और 1 से 15 तक समस्त वार्डों में अच्छा काम चल रहा है और ये लोग अच्छे काम का विरोध कर रहे हैं। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाते हैं आपके सपनों का घर।
अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए हैं आपके लिए ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर और ड्रीम सिटी अगड़ाल। ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर में हमारे पास उपलब्ध है 2400 से 13000 वर्ग फीट तक के प्लॉट, वो भी मात्र 150 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगड़ाल में 1800 से 4000 वर्ग फीट तक के प्लॉट उपलब्ध है 525 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगड़ाल रीवा सिटी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, चोरहटा एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9966931625789627582294253778577। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा।